हेलो यूट्यूब, आज मैं बना रही हूँ डबल कास्ट ऑन स्टिच। ये मैंने बनाया है, ये मैंने स्टेम स्टिच से बनाए हैं स्टेम्स। ये बुलियन है, बुलियन नॉट से बनाए ये, और ये लेजी डेजी है, और ये डेजी बुलियन है, ये वाले। इसमें आप इस तरह से धागा लेते हैं, यूं ऐसे इधर से दोनों को इकट्ठा करके नॉट लगा लेते हैं, और ये इस तरह से इसमें डालते हैं। अब जितनी लंबी आपने बनाना है उसे, जितना आपकी पेटल्स हैं या पत्तियां हैं, फूल जितना बड़ा है उसी के हिसाब से आपने, अगर ये और लंबा है तो यहाँ से ले लें आप। अब मेरा इतना ही है पेटल का साइज, तो मैं यहीं से लूँगी। इसको यूं ऐसे कर लेना है, और यहाँ से आपने सुई निकाल ली ऐसे, ठीक है। अब इस तरह से रख के यूं, ऐसे यूं इस तरह से, ठीक है। एक दफा इस साइड से और दूसरी दफा आपने दूसरी साइड से यूं इसको ऐसे टर्न किया, यूं इस तरह, ये लिया इस तरह से, ई इस उल्टी ई ये बना लें आप, ठीक है। जैसे ऑपोजिट साइड को ई बनाई है आपने, स्मॉल कैप स्मॉल ई जो है। अब ये जैसे आपने स्ट्रेट सीधी साइड को ई बनाई है, ठीक है, ये देखें ऐसे। या आप ये देख लें कि आपने यूं इसको यूं ऐसे लिया, इसे यूं सीधा, यूं इसको ट्विस्ट किया ऐसे इस तरह से, और ये यूं लिया धागा ऐसे, उसको इस तरह से ट्विस्ट किया यूं, और ये धागा यूं ऐसे स्ट्रेट लिया, यूं ट्विस्ट किया, ये ट्विस्ट एक ही ट्विस्ट करना है, दो दफा ट्विस्ट नहीं करना, उसे ओनली वन टाइम ट्विस्ट, और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये देखे। अब ये दोनों धागे मैंने इस तरह से पकड़ लिए ताकि यहाँ पे ये इकट्ठे नहीं हो ऐसे। इसको अच्छी तरह से स्ट्रॉन्गली होल्ड करना है आपने, यूं ऐसे, फिर ऐसे ले आए आप ऐसे, और इस तरह ये आप दोबारा से आप देखें, इसको अपार्ट कर लिया आपने ऑलरेडी ऐसे, यहां से ऐसे नीडल गई,
अब यूं ट्विस्ट किया इसको, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, सेवन और ये सेवन। अब आप ऐसे इसे इस धाग इसे यूं आप इकट्ठा कर लेंगे इस तरह, और यहाँ से इसको पकड़ेंगे आप और यूं इस तरह फिंगर इसके नीचे आपने रखनी है ताकि वो इकट्ठा नहीं हो, अदरवाइज धागा बहुत जल्दी आप वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए। आपने याद रखना है कि आपने कितनी दफ़ा ये कास्ट ऑन कितने हैं, ये मैं सेवन सेवन का बना रही हूँ। ये देखे मैंने इसके नीचे फिंगर की हुई है ताकि ये सारा धागा इधर इकट्ठा नहीं हो। अब ये निकाल लें फिंगर अपनी, सनफ्लावर इससे बहुत खूबसूरत बनते हैं। और ये एक 3D सा इम्पैक्ट देता है। अब ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है स्टेम। अब इसके ऊपर से आप ऐसे, अगर कोई इस तरह का आपका आपका पैटर्न इस तरह का होता है तो
इस तरह से। और ये मैंने सेंटर में फ्रेंच नॉट बनाई है, ये फ्रेंच नॉट के साथ बनाया है। और ये बुलियन है, ये बुलियन डेजी है, और इसकी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ बुलियन डेजी की, और ये बुलियन नॉट की, और लेजी डेजी की, और स्टेम स्टिच की वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और ये मैंने DMC थ्रेड इसमें यूज़ किया है डबल शेडेड। और ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।